भदोही जिले के पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। भले ही विजय मिश्रा सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिल रही है। वही पुलिस विजय मिश्रा के क्राइम कुंडली को खंगालने में लगी हुई है। शुक्रवार को भदोही जनपद पुलिस ने विजय मिश्रा से जुड़े 3,34,00,000 रुपए की बेशकीमती जमीन को पुलिस ने कुर्क कर लिया है। ये जमीन ऊंच थाना क्षेत्र के नौधन गांव में नेशनल हाईवे से सटा हुआ है। एसपी ने बताया कि विजय मिश्रा ने आपराधिक तरीके से जमीन को खरीदा था। भारी पुलिस फोर्स के मौजूदगी में कुर्की कराई गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जिले के ऊंच थाना क्षेत्र के नौधन हाईवे के किनारे भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। यह जमीन 5,590 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। आरोप है कि विजय मिश्रा ने आपराधिक तरीके से जमीन को खरीदा था, तो कहीं न कहीं इशारा साफ है कि भ्रष्टाचार और अपराध से अर्जित की गई जमीन पर बुलडोजर की कार्रवाई होना तय है। बताते चले कि जमीन की अनुमानित कीमत 3,34,00,000 रुपए है। गौरतलब हो कि इसके पहले भी कई संपत्तियों पर पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई कर चुकी है। भले ही विजय मिश्रा सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं, लेकिन उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक के बाद एक पुलिस उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कर रही है, उनके क्राइम कुंडली खंगाली जा रही है। कुख्यात और पेशेवर अपराधी विजय मिश्रा और उसके परिजन जिन पे गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी, उसी पे डीएम भदोही के आदेश से उसकी लगभग उसकी और उसके परिवार के सदस्यों की पत्नी, उसकी पुत्रवधू और पुत्र के नाम से 3,34,37,000 से अधिक की एक जमीन है। उस जमीन को चूँकि अपराध से जो अर्जित पैसा था उससे उसको खरीदा गया था, इसलिए उस जमीन को डीएम भदोही के आदेश से कुर्क किया गया है, जब्तीकरण का आदेश दिया गया है। पुलिस और एसडीएम उसका आदेश का अनुपालन करा रहे हैं। पहले भी इस गैंग के ऊपर जब्तीकरण की कार्रवाइयाँ हुई हैं और इसी तरह से सख्त कार्रवाइयाँ जो जितने भी पेशेवर माफिया उस तरह के अपराधी हैं उनके खिलाफ लगातार भदोही पुलिस कर रही है और आगे भी जारी रहेगी। क्या क्या है इसमें सर? इसमें जमीन है जो हाईवे पे काफ़ी कीमती ज़मीन है और उस ज़मीन के आड़ में कुछ ग्राम सभा की और सरकारी ज़मीन पे कब्जा भी था, जिसको पहले भी मुक्त कराया गया था, और बाकी अगर कोई इस तरह का कब्जा है उसकी भी जांच की जाए। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी की बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।